प्यारे बच्चों सारे बच्चों रमजान मुबारक और कहानी टाइम में मिसबा के साथ आप लोग यहाँ पर हैं अच्छा तो आप में से मुझे पता चला काफी सारे बच्चे माशाल्लाह रोजेदार हैं और रोजा भी ज़रा हॉट हॉट वाला है मजेदार साह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताइए कि रोजे में एक चीज है जो बड़ी मुश्किल और वो है... क्या चीज कौन सी चीज सबसे मुश्किल लगती है रोजे में आप लोग चैट कर सकते हैं मुझे अपना मैसेज दे सकते हैं मैं आपका मैसेज पढ़ रही हूं कि रोजे में सबसे ज्यादा क्या मुश्किल है हम्म कहिए कहिए गर्मी और भूख और हम्म और प्यास बहुत लगती है अच्छा तो भूख और प्यास और गर्मी अच्छा तो सबसे ज्यादा यानी यही मुश्किल की चीज है लेकिन जब आपको बहुत सहरी करना दैट इज अ गुड वन हाथ या ना मुझे ये बता गुस्सा कंट्रोल दैट इज अ गुड वन गैलेक्सी एस एम जो भी आपका नाम है आई वु हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपना नाम लिखिए ताकि मैं आपको पुकार सकूं अच्छा तो जब गर्मी लगती है या जब गुस्सा आता है या प्यास लगती है फिर क्या करते हैं कि खुद को रोक के रखते हैं hmm? आयान का जवाब सबसे पहले आ गया है अः uh, अच्छा नमाज पढ़ते हैं और फाइटिंग भी नहीं करते भूख प्यास सबसे बचते हैं बरीरा भी कह रही है कि हम सबर करते हैं दुआ भी करते हैं हादिया कह रही है वेरी गुड। और दुआ भी यही करते हैं ताकि हमें सबर मिले ठीक है तो सब्र आज की जो कहानी है वो भी सब्र ही के मुतालिक है आपको पता है अल्लाह साल का एक नाम असबूर है हम्म अल्लाह का एक नाम असबूर है और अल्लाह करने वालों को बहुत 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 ज्यादा पसंद करते हैं अच्छा तो सब्र क्या है कोई बताएगा अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं तस्वीर करते हैं और आ, फिर हम ठीक हो जाते हैं दैट इज वेरी गुड माशाल्लाह। एक कह रहे हैं इफ्तार कर लेते हैं इफ्तार ऐसे कर, थोड़ी कर लेते हैं किसी भी टाइम <laughs> हाँ अच्छा जनाब तो हमें ये बताइए कि सबर क्या है कोई बच्चा ये बता सकता है व्हाट इज सबर बर्दाश्त करना सबर है जुनैरा पेशेंस जो है इट इज जस्ट इट्स ट्रांसलेशन आई एम आस्किंग यू व्हाट इज पेशेंस और सब्र ठीक है अच्छा तो बच्चे कह रहे बर्दाश्त करना इंतजार करना हम्म चलिए मैं आपको बताती हूं कि सब्र हर वो चीज है जो आपको लगता है करनी मुश्किल है लेकिन चूंकि वो अच्छी है हमें करना पड़ेगा ठीक है लेकिन चाहे आपको नहीं भी पसंद बाज चीजें जो हमें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी करनी पड़ जाए और बाज चीजें जो बहुत पसंद है लेकिन हम उससे रुक जाए ठीक है ये दोनों बातें सब्र हैं और राइट right. एग्जैक्टली exactly. तो कोई गलत काम ऐसा जो आपका दिल कर रहा है करने का फॉर example लाइक like what बीच रोजा कुछ खा लेना या फिर किसी पर गुस्सा करना चिल्लाना किसी की चीज छुपा लेना और उसको कभी वापस नहीं करना रैपर हाथ में उसको जहां पर दिलाए वहीं पर फेंक देना इंतजार के बगैर कोई भी गलत काम जब आपका दिल करे लेकिन आप रुक जाए यही सब्र है ठीक है और कोई बहुत अच्छा काम है अः लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ना कुरान पढ़ना ठीक सबके साथ जो बंदा आपके साथ मीन है उसको भी मुआफ कर देना ये सब काम मुश्किल है राइट यही सब्र है कि ये सब काम करने हैं राइट right, चलिए आज हम पढ़ने लगे हैं एक कहानी और ये देखें कितने अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं बच्चे बता रहे हैं कि मामा के साथ अफतारी में हेल्प करना भी मुश्किल है पसंद की चीजों से रुक जाना आयान वेरी गुड यस बेटा माय कैमरा इज नॉट ऑन बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यूट्यूब इसलिए ओके okay, और आरफा ने बहुत प्यारी बात की है कि सिर्फ इंतजार ही नहीं करना और मुंह बना लेना बल्कि हैप्पी मूड के साथ इंतजार करना ये सब्र है ठीक है दैट इज वेरी गुड चलिए जनाब अब हम कहानी सुने कौन कौन बच्चा जाए कहानी के लिए अपनी ब्राइटेस्ट स्माइल मुझे दीजिए कि मुझे पता हो कि आप माय <laughs> अबरार और अनाबिया की अनिस की अलिया की अजम और 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 ओके कुछ बच्चों के नाम यहाँ मौजूद नहीं है राफे उसको राये आप कैमरा पर हैं गुड <laughs> अरे हादिया और अनम भी हैं यहाँ वेरी गुड अच्छा तो अब बच्चों ने अगला काम ये करना है कि अपने होंठों को जिप लगाने लगाने आती है होटो को गुड अजम बिल्कुल ऐसे ही लगानी थी गुड फातिमा गुड अब्दुल मनान सब बच्चों को पता है होंठों को जिप लगा के बैठिए और कानों से वॉल्यूम कर लें ऊंचा क्योंकि अब हम सुनने लगे हैं एक कहानी चौन रिसम्ला कहानी है सबर से आइए देखते हैं All right, तो कहानी करिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन आपको नजर आ रही है ठीक है अब ये है इंग्लिश में लेकिन मैं आपको उर्दू में सुनाऊंगी अच्छा जनाब तो चमकदार बनना है किसकी तरह की हम्म तो हुआ ये कि मिस्टर सलमान की क्लास एक फील्ड ट्रिप पे जा रही थी उनको एक जगह लेकर जा रहे थे ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। और जाना कहाँ था एलिफेंट हेविल्स नेशनल पार्क में और बच्चों ने वहां देखना था कि कैसे डायमंड की तरह के स्टोन्स बनते हैं और रेयर रॉक्स कैसे बनती हैं तो ये देखिए कि सारे बच्चे रुकिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा ओ राइट अब ठीक है अब ज्यादा वाजे हो रहा है हाँ अच्छा जनाब तो बच्चे आपने देखा कि बस से उतरे और कह रहे हैं कि उफ हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा बेटे आप लिखेंगे नहीं मेरी स्क्रीन पर प्लीज ये भी सब्र है ठीक है अपने हाथों को अपने काबू में रखना और दूसरों की कॉपी और पेन और स्क्रीन पर नहीं लिखना भी सब्र है ऑलराइट All right. अच्छा तो वो कहते हैं कि उफ मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा मैं कैसे जाऊं उफ 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 क्या करे वो टाइम इज इट क्या टाइम हो गया अच्छा वो टाइम पूछती है तो इसके बैग में से असद के बैग में से एक आवाज आती है पौने दस हो रहे हैं और हम अपनी मंजिल से पांच मिनट के फासले पर हैं अरे ये किसने कहा असद ने अपने बैग से एक नई डिवाइस निकाली और कहा ये मैंने खुद बनाया है इसका नाम इब्ने सीना रखा है माशाल्लाह और क्या क्या कर सकता है इब्ने सीना हम्म ये तो मैं तुम्हें जाके वहां बताऊंगा तो फाइनली सारे बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और मिस्टर सलमान के गेट इकट्ठे हो जाते हैं और मिस्टर सलमान उनको इशारा करते कि सारे आप इस साइड पे चलिए क्योंकि इस साइड पर से हम दाखिल होंगे अच्छा अब उसके बैग में से फिर क्या आवाज आती है के दरवाज़ा से 179.16 नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अच्छा जनाब इसका मतलब है कि उसको इब्न सीना जो इसने बनाया था वो कुछ कुछ मुझे लगता है कि गूगल की जैसा था जैसे गूगल मैप्स होते हैं खैर जनाब क्या हुआ कि उसने बता दिया खैर थैंक यू असद लेकिन अब सारे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ आ जाए मुझे फॉलो करें ओके okay. जनाब अब क्या हुआ कि शुरू से ही सीन अब ये कह रहा असद उसको बता रहा था कि फॉर स्टार्टर्स यानी जो लोग जो, जो बिल्कुल शुरू शुरू वाले हैं सीना कैन शो लाइव फीड ऑफ एन यूर इन वर्ल्ड कि उनको वो बता सकता है अच्छा जी मेरा घर दिखाओ अच्छा आ, अली का घर दिखाओ तो वो दिखा देगा कहते रियली ऐसा होगा कहते हैं हाँ चलो फिर असद का घर देखते हैं इतने सीना हमें असद का घर दिखा अमीन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता क्योंकि डिवाइस पर वाह मुझे तुम्हारी छोटी बहन नजर आ रही है हैं क्या कर रही है वो वो तुम्हारे टेलीस्कोप के साथ खेल रही है योर उसको बड़ा गुस्सा आता है असद को असद फौरन मामा को मैसेज करता है कि मामा मेरी टेलीस्कोप यूसरा से बचाइए और मैसेज सेंड कर देता है तो इतने सीना से मैसेजेस भी सेंड हो रहे थे हाँ लड़के देखते हैं कि मामा को जल्दी से मैसेज मिलता है और वो भागी भागी आती है और ये यूसरा से टेलीस्कोप ले लेती उफ बचत हो गई भाई इब्ने सीना कैन आंसर क्वेश्चंस टू हे रियली इब्ने सीना हु इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट एट नॉर्थ पोर्ट पोर्ट एलिमेंट्री। तो ये उसको बताता है असद के के ये सवालों जवाब भी दे सकता है तो अमीन उसे पूछ लेता है कि अच्छा सवालों के जवाब दे सकते हो तो बताओ तो सही कि है अमीन का नाम ले देता है आ, ओ, होम। इसमें मुझे लगता है कोई मसला है मैं इसको ठीक करूंगा लेकिन अमीन को तो बड़ी हंसी आती है वो कहता है अरे नहीं कोई खराबी नहीं है बिल्कुल ठीक ठीक तो नाम लिया उसने अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते सारे यहां एंट्रेंस पर पहुंच गए असद ने अमीन को अपनी तरफ खींचा डायमंड लाइक स्टोन नियर द केव ओपनिंग ठीक है तो ये लोग भी अपने यहां पर खड़े थे और उसको उसने अपनी तरफ खींचा और उसने कहा ये देखो अमीन अब देखना क्या होगा इसको डिवाइस को उन्होंने इसके ऊपर रखा और एक रेड बटन पुश कर दिया तो इसने डिवाइस ने एग्जैक्टली बताने लग गया कि ये कौन सा रॉक है और कितने परसेंट डायमंड है इसको बहुत इंफॉर्मेशन थी वाओ दिस इज रियली कूल मिस्टर सलमान सारे बच्चों से कहते हैं सारे बच्चे प्लीज अब अपना अपना बैग यहाँ पर रखें और असद आप भी अपना बैग रख दे ओह हो असद को भी अपना इतने सीना डालना पड़ता है बैग में और वापस जाना पड़ता ये सारे बच्चे खेव में दाखिल हो रहे हैं उस गार में जहां पे उनको पत्थर देखने हैं गार के अंदर अंदर जाते हैं तो वाह आप ये देख सकते हैं इतनी चमकदार रॉक्स हैं सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं वो कहते हैं मैंने तो ऐसे डायमंड्स कभी नहीं देखे कितने चमक रहे हैं वाह इसको देखो ये तो बहुत ही चमकदार है शीरे को केव की दूसरी साइड पर उसकी नजर पड़ती है और वो कहती है सर मिस्टर सलमान ये देखिए ये कैसे हो गया कि केव में कुछ डायमंड्स तो बहुत चमक रहे हैं लेकिन ये देखिए इस साइड पर बिल्कुल डल और प्लेन रॉक्स हैं एक ही केव में कुछ इतने चमकदार रॉक्स और कुछ बिल्कुल भी नहीं ऐसे कैसे हुआ टीचर कहते हैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया है एक्चुअली जो ये डायमंड्स हैं पहले ये सिंपल रॉक्स थे रियली really? ये सिंपल रॉक्स थे तो फिर ये इतने खूबसूरत कैसे हो गए मिस्टर सलमान समझाते देखो मिलियंस ऑफ इयर्स लगे बेटे और हीट और प्रेशर इनके ऊपर जाता गया जाता गया तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो रॉक्स थी वो किस में बदल गई डायमंड्स में ये जो बाकी आप रॉक्स देख रहे हैं ना अभी उनको इतनी ज्यादा तपिश नहीं मिली उनको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं मिला इस वजह से भी अभी तक बिल्कुल प्लेन है खैर चलते चलते ये लोग खेप से बाहर आ गए और फील्ड ट्रिप बस सब खत्म ही होने वाला था अमीन का ध्यान वहीं अटका हुआ था कि अच्छा और भी बताओ ना इतने सीना और क्या क्या कर सकता है असद ने इबने सीना देखना निकालने के लिए अपना बैग निकाला तो ओ गुडनेस मेरा तो बैग ही यहाँ नहीं है क्या मतलब बैग यहाँ नहीं है यार मेरा बैग गुम हो गया है ओ गुडनेस अब तो हमें ढूंढना पड़ेगा असद जल्दी जल्दी ऊंची ऊंची अमीन भी घास में ढूंढते हैं उफ लेकिन असद बहुत सब्र से इंतजार कर रहा होता है वो कहता है अस अमीन कोई बात नहीं स्मान तला वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतरीन होगा क्या मतलब है कि परेशान ना हूं मैं और कोई बात नहीं बे देखो मैंने कई घंटे असद खुद कह रहा है ठीक है असद ने ही बनाया है और वही सब्र कर रहा है कहता है कि देखो मैंने बहुत घंटे लगा के उसको बनाया है और मेरी तो वो बहुत ही पसंद की चीज है लेकिन हमें चीजों की ब्राइट साइड भी देखनी चाहिए ना क्या मतलब है हम अपना बेस्ट फ्रेंड हमारे से गुम हो गया है इब्ने सीना इतनी प्यारी तुमने डिवाइस बनाई थी अब उसकी ब्राइट साइड में क्या देखूं गुम हो गया है यार तो बहुत परेशानी की बात हो गई तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि क्या इस सारी सिचुएशन में कोई ब्राइट साइड है अब तक जितना आपने सुना है कहानी कोई अच्छी बात निकल सकती है इसमें से कोई खैर की बात निकल सकती है हम्म hmm. अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि खैर की बात तो निकल सकती है चले दैट इज गुड अच्छा अच्छा तो आप ये बताइए अब आप कि आपको क्यों लगता है कि असद इतना रिलैक्स था उसने तो खुद बनाया था इतने घंटे लगे थे उसको तो परेशान होना चाहिए हम्म hmm. क्योंकि हमें सब्र करना चाहिए ना और बॉयज क्या कर सकते थे वो शोर मचा सकते थे रोना डाल सकते थे लेकिन बहुत सबर के साथ इंतजार कर रहे हैं आइए अब देखते हैं कि क्या हुआ। ये ने उसको बताया कि देखो याद है ना कि प्लेन रॉक्स भी थी कुछ कुछ इसलिए कि इन तो हमें भी ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी जब मुश्किल आ जाए तो वो हमारे लिए होती है हम उस मुश्किल में से डायमंड्स की तरह निकलते हैं वरना फिर बंदा ऐसे प्लेन रॉक्स की तरह होता है असद ने अपने हाथ अमीन के गिरद रखे अपना बाजू उससे कहा कि यार जब इस कस्म का मसला हो जाता है ना तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो प्लेन सी हम रॉक्स थे अब हम डायमंड्स बन जाए इसलिए हमें सब्र करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह इस मुश्किल वक्त में से हमें अच्छा इंसान बेहतर इंसान बना के निकाले खैर अमीन दस में बैठ जाते हैं ये लोग और अमीन अपने हाथ दुआ के लिए उठा लेता और कहता है अल्लाह स्पन्ना प्लीज मुझे आप साबिर बनाए सबर करने वाला ताकि मैं भी डायमंड्स की तरह निकलूं तो यूं इतने सीना गुम तो हुआ यही खैर निकली इस सारी चीज में से कि बच्चे जो हैं वो बजाय इमपेश होते उन्होंने सीखा कि हमें सब्र करना है वाई माइट बैड अस कभी कभी हमारे साथ मुश्किल चीजें क्यों पेश आती हैं बेटे अल्लाह हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि हम किस तरह बिहेव करेंगे रोएंगे दूसरों के ऊपर गुस्सा करेंगे चिल्लाएंगे इल्जाम लगाएंगे दूसरों को हम करेंगे क्या हम पैनिक हो जाएंगे या हम सबर से रहेंगे ठीक है तो कभी कभी जब कोई ऐसी चीज पेश आ जाए तो हम किस तरीके से उसको डील करें हमें क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर जब हमारी मनपसंद चीज नहीं हो रही हमें सबर करना चाहिए हमें दुआ करनी चाहिए और हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए बिल्कुल अच्छा वैसे कुछ गुम हो जाए तो आपको पता है कि क्या दुआ करते हैं हम उस वक्त इन्ना ली इलैही रोजून पढ़ते हैं मिल जाती है चीज़ अमूमन मिल जाती है वैसे तो जनाब क्या हुआ के, अच्छा अभी ये दुआ कर रहा था और थोड़ी देर में एक पार्क रेंजर होता है वो कहते हैं जी बस रोके प्लीज बस रोके यहाँ पे अमीन कौन है अमीन ने हाथ खड़ा किया कि मैं हूँ ये मुझे लगता है कि आपका बैग रह गया था एक रखून उधर से बैग को लेकर टॉल ग्रास में ले गया था हम्म उसने उसको वहां पे छुपा दिया था तो आ, अच्छा वैसे तो ये मेरे दोस्त असद का है आपको कैसे मिला क्योंकि ये बार-बार एक ही सेंटेंस कहता जा रहा था इसने जवाब दिया कि ये बार-बार एक ही सेंटेंस कहता जा रहा था अमीन इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट एट नॉर्थ पोर्ट एलिमेंट्री कि हमारे स्कूल का सबसे स्मार्ट बच्चा अमीन है हमारे स्कूल का सबसे स्मार्ट बच्चा अमीन है तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये किसी अमीन का बैग है उस तक पहुंचाना चाहिए तो यूं कहानी हो गई खत्म और अल्लाह के 99 नाम खूबसूरत नामों में से एक नाम है असबूर करने और अल्लाह यही कह रहे हैं यहाँ पर ये की नंबर सिक्स है और इसमें भी अला कहते हैं कि आपको आपके माल से और आपको अपने पर्सनल सेल्फ से आपको टेस्ट किया जाएगा ठीक है तो अगर आप सबर करेंगे ठीक है और अलमतकून में से होंगे यानी नेक लोगों में से जो अल्लाह के परहेजगार बंदे हैं तो दा विल बी अ फैक्टर इन ऑल अफेयर्स आपके सारे जो है ना हम्म क्या हम उर्दू करें ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी उर्दू क्या करें बहरह आपके मसले मिसाल सारे हल हो जाएंगे एक तरह से इसको यूं देख लीजिए तो हमें सब्र करना है और आज कल जब रोजा है भूख लगती है भूख और प्यास पे तो हम सबर कर लेते हैं लेकिन जब छोटे बहन भाई के ऊपर गुस्सा आता है या फिर पसंद का खाना सामने ना आए क्या हम तब भी सबर करते हैं थोड़ा सा नहीं कर रहे होते कभी 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 कभी, कभी बेसब्र हो जाते मैं ये नहीं खाऊंगा मुझे नहीं पसंद पकोड़े, मैंने नहीं खाना था ये मुझे तो बस आप पास्ता बना के दें और बर्गर बना के दें हम्म या छोटी बहन इतनी देर में आके आपको कह के भैया मुझे ये सिखा दो तुम साइड पर हो जाओ हम उसको कह देते हैं तो हमने गुस्सा नहीं करना हमने अपनी बारी का इंतजार करना है ठीक है तो ये सारी चीजें सबर हैं और राइट ओके दैट इज हम मिलेंगे कल दोबारा इंशाल्लाह और हम देखेंगे कि कौन सी स्टोरी हम कल पढ़ेंगे